हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैटनेस्ट यूट्यूब चैनल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दिस इज अर्शिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ड में होम टूल में क्लिपबोर्ड का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है। होम टैब में आप देख सकते हो, इधर पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में इधर पे आप देख सकते हो पेज कट कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर किया हुआ है। इंडिविजुअली मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी एक टूल्स हम कब और कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कॉपी से। एग्जांपल इधर पे मैंने एक पैराग्राफ लिया है, इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लूंगी। सेलेक्ट करके इस पैराग्राफ को मैं क्या कर लूंगी, कॉपी कर लूंगी। डायरेक्टली आप इधर से क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट के भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल सी करके मैंने इस पैराग्राफ को कॉपी कर लिया है। अभी सेम डुप्लीकेट कॉपी मुझे नेक्स्ट प्लेस में पेस्ट करना हो तो मुझे क्या शॉर्टकट की यूज करना है, कंट्रोल वी, या फिर डायरेक्टली आप इधर से पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो तो कंट्रोल वी का उपयोग कर सकते हो। देखिए सेम पैराग्राफ इधर पे क्या हो गया है, पेस्ट हो गया है। कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। आपको पता चल गया कॉपी कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। डुप्लीकेट कॉपी को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लेस में पेस्ट कर सकते हैं। फिर से मुझे वही कॉपी पेस्ट करना हो तो मुझे कौन सा शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल वी यूज करना पड़ेगा। अगर आप अभी मैं इधर पे क्या कर रही हूँ, इधर पे ये फर्स्ट लाइन को मैं इधर से कट कर लूंगी। इस फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करके मुझे इसको कट करना है। कट करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, कंट्रोल एक्स का यूज कर सकते हो। देखिए आप इधर पे देख सकते हो वो फर्स्ट लाइन इधर पे क्या हो गई, कट हो गई। उसी लाइन को इधर पे मुझे ऐड करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करना है, कंट्रोल भी यूज करना है। अभी आपको पता चल गया कट कॉपी और पेस्ट कब और कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर की। फॉर्मेट प्रिंटर का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी। जैसे कि फॉर्मेट प्रिंटर इन द सेंस, अभी मैं फर्स्ट लाइन में कुछ भी सेटिंग्स कर रही हूँ, जैसे कि मैं ये अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी। जैसे कि मैं इधर पे बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ और फॉन्ट कलर चेंज कर रही हूँ, तो यही फॉन्ट कलर वही प्रिंटर मुझे दूसरे टेक्स्ट में भी चाहिए, दूसरे पैराग्राफ में भी चाहिए, तो मैं फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी। देखिए इधर पे आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग कर लिया है। देखिए आप इधर पे देख सकते हो प्रिंटर ब्रश भी देख सकते हो। वही लाइन पे मुझे इधर पे भी पेश करना है तो देखिए इधर पे ऐसा आके आप क्या कर सकते हो, पेश कर सकते हो। फिर से मैं फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग कर रही हूँ, फिर से मैं इधर पे आके क्या कर दूंगी, पेश कर दूंगी। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग कर सकते हो, जो कि बहुत यूजफुल है। कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। क्लिपबोर्ड में आप फोर टूल्स सीख सकते हो, कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं और कैसे कट करते हैं, और फॉर्मेट प्रिंटर कैसे करते हैं। शॉर्टकट कीज भी मैंने आपको बोले हुए हैं, अच्छे से शॉर्टकट कीज याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टूल से स्टार्ट करूंगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में इस डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बताती रहूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।